हाय दोस्तों, आपका स्वागत एक बार फिर से MSA इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपके लिए किड्स कार की पूरी वायरिंग के बारे में, पूरे स्पेयर पार्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स लेकर आए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि RC टॉय में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये हमारा गियर मोटर स्क्रू, ब्लूटूथ वाला रिमोट, स्टेयरिंग, हमारा डैशबोर्ड, हमारे एक्सीलेटर व्हील, यहाँ पर लगभग सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी RC टॉय जीप है, यहाँ पर हमने इसी के सारे पार्ट्स को यूज़ करा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी LED ब्लिंक कर रही है। यहाँ पर ये इसके टायर हैं, यहाँ पर ये पीछे सीट दी हुई है, यहाँ पर ये सीट का बेल्ट है। कुछ इस टाइप से हमारी सारी RC टॉय कार आती है। यहाँ पर जो फंक्शन है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, बाकी लगभग सेम होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा ब्लूटूथ वाला कंट्रोलर है। यहाँ पर इसका ये ब्लूटूथ वाला रिमोट है, आप चाहो तो इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर रिमोट के कवर के पर इसका बारकोड दिया हुआ रहता है। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे कनेक्शन हैं। कनेक्शन में आप देख सकते हैं मोटर के कनेक्शन होंगे, स्टेयरिंग मोटर के कनेक्शन होंगे, और उसके बाद हमारा डैशबोर्ड के कनेक्शन होंगे, और डैशबोर्ड के थ्रू हमारे सारी आगे की लाइटें और एम्पलीफायर वगैरह जो भी हमारा है उसके कनेक्शन होंगे। उसके बाद ये हमारा इसका पूरा मैकेनिज्म है, हमारा गियर बॉक्स है। यहाँ पर जो गियर बॉक्स में मोटर यूज़ होती है वो 390-555 हाई RPM की स्पीड की मोटर होती है, RS 350 करके। उसके बाद ये हमारा स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन वायर है, टोटल तीन वायर में से एक वायर आपका कॉमन है और एक एक वायर आपका स्विच पर लगा हुआ है। एक स्विच सायरन बजाने के लिए, दूसरा सॉन्ग्स को प्ले करने के लिए। इसके बाद ये हमारा एक्सीलेटर है, ये एज ए स्विच ही है। यहाँ पर हम पुश करते हैं तो स्विच प्रेस होता है तो हमारी गाड़ी आगे चलती है। इसके बाद ये हमारी LED है, यहाँ पर आप 8 mm की LED भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के हिसाब से पिन दी हुई है। इसके बाद ये हमारा स्टेयरिंग का भी गियर बॉक्स है, दोनों गियर बॉक्स स्टेयरिंग वाला भी सेम ही होता है। पीछे दोनों के लिए सेपरेट रहता है और आगे स्टेयरिंग के लिए एक हमारा गियर बॉक्स रहता है जो गाड़ी को लेफ्ट राइट मूव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ भी सेम मोटर यूज़ करी हुई है, यहाँ पर RS 390 मोटर यूज़ करी। इसके बाद ये हमारा 8 ओम का स्पीकर है, 3 वाट का, ये हमारे USB प्लेयर के साथ लगा हुआ रहता है मल्टीमीडिया प्ले करने के लिए। इसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं 0 मतलब ये हमारा मेन जो रेड कलर का स्विच है, उसके बाद जो एरो वाला रेड कलर का स्विच है ये हमारा डायरेक्शन के लिए जब हम गाड़ी को मैनुअल चलाएंगे, उसके बाद हमारा ग्रीन वाला स्विंग के लिए। उसके बाद ये हमारा USB प्लेयर है, USB प्लेयर में एक आपका स्पीकर का होगा, दूसरा आपका कंट्रोल है, और तीसरा आपका पावर सप्लाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी वायरिंग है, यहाँ पर जो वायरिंग दी हुई है, यहाँ पर सारी वायरें हमारी डायरेक्टली स्लीव के थ्रू पीछे की ओर चली जाती है। यहाँ पर जो ये हमारा स्टेयरिंग वाला जो मोटर है उसकी वायरिंग की पिन थोड़ी सी मोटी होगी जो दोनों साइड में आपको दिख रही है। उसके बाद बाकी की जो वायरिंग है वो पतली होगी। यहाँ पर ये हमारा बैटरी सेट है, बैटरी सेट दोनों सीरीज में 6-6 वोल्ट की बैटरी है। टोटल हमारे पास 12 वोल्ट DC, यहाँ पर 6 वोल्ट 12 वोल्ट दोनों टाइप की आती है। यहाँ पर इन्होंने सेफ्टी के लिए फ्यूज़ भी दे रखा है, यहाँ पर ये बैटरी की स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर डैशबोर्ड के कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर रेडीमेड पिनें आती है, आप इजीली इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पिनों को हमने कनेक्टेड कर दिया है, प्रीवियस वीडियो में हमने कनेक्शन का बताया है। यहाँ पर आप स्टेयरिंग से प्ले कर सकते हैं, सायरन वगैरह बजा सकते हैं, लगभग सारी गाड़ियों में फंक्शन सेम होते हैं। और ये हमारा स्पीकर है 3 ओम का, यहाँ पर स्पीकर को भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर स्पीकर आपका ख़राब हो जाता है तो। स्टेयरिंग में स्विचेस दिए हुए हैं, पुश बटन दिए हुए हैं, वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जो हमारा एक्सीलेटर है उसमें भी स्विच है, स्विच को आप हटा देंगे स्विच भी चेंज हो जाता है। उसके बाद ये हमारी LED भी हम 8 mm की यूज़ कर सकते हैं। बैटरी भी हमारी बाइक की हम या तो लिथियम की 12 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, या लिथियम सेल को यूज़ करके भी हम बैटरी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो इसका एक्सीलेटर है इससे मैनुअल मोड पे गाड़ी हमारी चल जाती है, बाकी रिमोट मोड पे भी आप चला सकते हैं, उसके लिए सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है। इसके बाद स्विंग फंक्शन भी दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर ये स्विंग फंक्शन का हमारा है, यहाँ पर इस कंडीशन में मोटर आगे पीछे मूव करती है। इसके बाद ये हमारी बैटरी का कनेक्शन है, यहाँ पर कंट्रोलर में सबसे पहले 12 वोल्ट दिए हुए हैं, उसके पास वाली पिन जो आपको हरी और पीली दिख रही है ये हमारी मोटर को गई है।
उसके बाद एक पिन जो है हमारी स्टेयरिंग को जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लूटूथ वाला रिमोट है। यहाँ पर ब्लूटूथ वाले रिमोट में ब्रेक का फंक्शन दिया हुआ है, लेफ्ट राइट का फंक्शन दिया हुआ है, स्पीड कंट्रोल का फंक्शन दिया हुआ है और रिवर्स और फॉरवर्ड का फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ये रिवर्स फॉरवर्ड बराबर काम कर रहा है। दोस्तों अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर गियर बॉक्स में ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपकी रिमोट ख़राब हो जाती है, अगर ओवरलोड हो जाती है, तो आप इसकी मोटर भी आसानी से चेंज कर सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। उसके बाद जो स्विचेस है वो भी चेंज हो सकते हैं। अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी तो आप बैटरी लिथियम आयन लगा सकते हैं। उसके बाद आपका कंट्रोलर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। बाकी कंट्रोलर ऐसे ख़राब नहीं होता है, यहाँ पर कुछ कनेक्शन वगैरह लूज़ हो सकते हैं। मेन आपका जो मोटर पे लोड आता है, यहाँ पर अगर बैटरी में कोई दिक्कत आती है तो आपके फ्यूज़ दिए हुए हैं, आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। आप फ्यूज़ चेंज करेंगे तो आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। मेनली इसे हमें बैटरी को बराबर चार्ज करना पड़ता है और ज़्यादा दिन डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए इसे छोड़ देते हैं तो गाड़ी को हमें कैपेसिटी के हिसाब से ही बच्चे को बिठाना है। जैसे अगर 12 से 15 किलो की अगर वेट कैपेसिटी है तो उस हिसाब से हमें बिठाना है। यहाँ पर ये हमारा मल्टीमीडिया प्लेयर के दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आपकी पिने हैं, एक प्लस माइनस पावर सप्लाई की है, येलो वाली हमारी स्पीकर में जा रही है, और उसके बाद जो तीसरी लास्ट में जो पिने हैं वो हमारी स्टेयरिंग में जा रही है। तो ये हमारा जो मल्टीमीडिया प्लेयर है वो स्टेयरिंग से भी कंट्रोल हो जाता है। लाइटों के लिए एक अलग से सेपरेट सॉकेट दिया हुआ है और बाकी हमारा जो कंट्रोलिंग का है वो अलग से दे रखा है। इसमें फंक्शन, इसमें मेनली कंट्रोलर की साइड से पूरा वायरलेस ऑपरेट होता है ये। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।